हे हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बिराज और आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे इस नए व्लॉग में। और आज डेट है 23rd of March और आज है म्यूज़िक फेस्टिवल, स्काई हाई म्यूज़िक फेस्टिवल 2024 नौगांव में, जो कि फर्स्ट टाइम नौगांव में एक बहुत बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है म्यूज़िक फेस्टिवल का। तो अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट इट्स 7:57, आप लोग देख सकते हो। और मैं अभी शायद आप लोगों ने अगर मेरा पहला व्लॉग देखा है जो मैं नौगांव में आया, फिर सब तैयारियाँ ऑल हो रहा था, तो अभी फ़िलहाल बहुत जल्दी मैं उठ गया और मैक्स भाई ने भी कॉल किया, मैक्स भाई आ रहे नीचे पहुँचा ये, तो मुझे बोला कि बिरज मैं नीचे हूँ तू आ जा, तो मैंने बोला कि तू रूम पे आ जा बिंदास थोड़ा चिल करते हैं। और मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ अभी सुबह का नौगांव में, तो आप लोग देखिए कि कितना सुंदर लग रहा है, लाइक वाओ। तो बस अभी मैक्स भाई आ रहे हैं, उनसे मिलता हूँ थोड़ा बातचीत करता हूँ और आज का दिन बहुत अच्छे से बहुत सुंदर तरीके से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और जो भी होता है, जो कुछ भी होगा आज इसी ब्लॉग में आप लोग सब देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, तो बिंदास वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए। और अभी इस तरफ आ गए हम लोग का मैक्स भाई, से हाय। हेलो हेलो। हाँ, सारा रात क्या कर रहा था? देखा आखिर इसका एकदम छोटा छोटा हो गया एकदम। क्या सोया नहीं क्या सारा सारा नहीं, नहीं सोया नहीं सारा रात। क्या मतलब वो फिल्म ही था? हाँ, फिल्म पूरा गाड़ी में काम वगैरह। हाँ ओके, तो अभी ये सोएगा शायद, मुझे पता नहीं, पूरा टायर्ड लग रहा है देखने में। तो आगे और क्या क्या होता है आप लोग तो देखते रहिए। और यहाँ पे मैंने बनाया एक ग्रीन टी मैक्स भाई के लिए और एक लाल चाय जो एकदम मतलब चाहिए होता है सुबह सुबह, बहुत अच्छा होता है। और ये मैक्स भाई के लिए इतना इतना हेल्दी कब से बन गया तुम? इतना हेल्दी कब से? आज से आज ही से और सारा एकदम सैचेट एकदम ज्यादा करके ले लिया क्योंकि चाय वाय तो पीते रहते हैं। और यहाँ पे इस तरफ कॉफी तो हाय मिस्टर बिरज दे हाय हाय आई पाले हाय हाय आहोक हम लोग वेडिस तो अपने पाले की बात पाले নাই নাই কো হৈ যাব নাই আমাৰ নৱাখন কেনেবা লাগিছে একদম বহুত ধুনিয়া মোক কেনেবা লাগিছে দে আপোনাক বহুত ভাল লাগিছে আপোনাৰ ইন্ট্ৰোটো এবাৰ দিবছোন মোৰ ইন্ট্ৰো মই নামটো নকওঁ ওকে মই শিল্পী হয় ওকে মই ভগৱানৰ সাধনা কৰো ওকে আমাৰ 7 বছৰ বনাৰসত আছিলোঁ ওকে আৰু তাৰ পিছত মই আপোনাৰ পঢ়াখনা তাতে কৰিলোঁ আচ্ছা তাতে মই গুৰু আছে গুৰু পৰা শিকিলোঁ ইয়াতে শিকি গৈছোঁ তাত বেছিকৈ শিকিলোঁ ওকে এতিয়া মই ভাবিছোঁ অসমলৈ যাওঁ আৰু মই বাতচল্য মতক মই অলপ জ্ঞান দিওঁ মই আচাৰ্য হ'ব বিচাৰোঁ ওকে গতিকে মই এতিয়া ভগৱান শিৱ ভগৱান ভৰৰ মহাদেৱ কাশী বিশ্বনাথ ভগৱান লক্ষ্মী আৰু যি পাপ হৈ আছে যি পুণ্য হৈ আছে এই কলিৰ যুগত মই সবকে শান্তি কৰিবলৈ ওকে মই আপোনালোকৰ আজি স্কাই হাই ফেষ্টিভেলে অৰগানাইজ কৰা হয় উই অল আৰ ওয়েলকামিং ইউ টু দা স্কাই হাই ফেষ্টিভেল ইন নগাঁও ফৰ দা ফাৰ্ষ্ট টাইম থ্যাংক ইউ সো মাচ ইন আৱাৰ টাউন এণ্ড উই আৰ গোইং টু ৰক টুডে এণ্ড উই আৰ ৰেডি টু ৰক উইথ আৱাৰ সংকুৰাজ দা প্ৰবীণ বৰা ওকে উদয়ন দা ইয়াংকিবা আৰু বিশ্ব শইকীয়া And I want to welcome you all to Nagaon and we are going to rock tonight. Thank you. Bye. तो गाइस अभी जो इनको आपने देखे थे इनका नाम है प्रीतिस्मिता बोरा। तो अचानक से आया था मुझसे मिलने और आके जो ऐसा होगा मैं सोचा नहीं था, तो बस बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छा लगा मिलके। तो बस आगे और क्या क्या होता है मैं दिखाऊंगा। तो गाइज अभी हम लोग आए यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने और बहुत देर हो गया था, तो अभी मैं दिखाता हूँ क्या क्या है ब्रेकफास्ट में, तो आप लोग देखते रहिए। तो के लिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट तैयार, आप लोग देख सकते हो कितना सारा आइटम्स है बुफे, और मैं भी ले रहा हूँ एक एक करके। अभी हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट और रिपुंदा के साथ में कैसा लगा था ना? बढ़िया, एकदम बढ़िया ना, टेस्टी भी है, बाद में बोलूँगा बस वही बात है। तो चलिए अभी ये खा के जल्दी निकलते हैं। तो गाइज अभी नींद से उठ के एकदम अच्छे से फ्रेश हो गया और अच्छे से तैयार भी हो रहा हूँ धीरे धीरे, और लंच भी ऑर्डर किया हूँ, तो लंच आ जाए फिर लंच करके हम लोग जल्दी निकलेंगे। और मैक्स भाई भाई भी आया हुआ है, तो मैक्स भाई अभी गया है थोड़ा बाथरूम में फ्रेश होने, तो अभी बस निकलेंगे। और बाहर का वेदर आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर होके रखा है, बारिश ना आ जाए बस उसी का टेंशन है, बाकी एकदम अच्छे से अभी स्टार्ट होने वाला है प्रोग्राम। तो चलिए अभी लंच करके जल्दी निकलते हैं और जाते हैं वेन्यू तक।
देखिए यहाँ पे पूरा बारिश देने लगा है। अभी मैं वही सोच रहा था कि शायद बारिश देगा, और देखिए पूरा जोर से आ गया एकदम बारिश। अभी पता नहीं क्या होगा प्रोग्राम। अभी जल्दी जल्दी खाने का और जल्दी जल्दी पहुंचने का। तो अभी मैं फिलहाल रेडी होके निकला, और रिपुंदा ने मुझे बोला नहीं था कि वो अभी ऐसे निकलेंगे, और उनको देखिए और मुझे देखिए, लाइक ये क्या किया मेरे साथ। तो अभी बारिश इतना दे रहा था तो बारिश इतना जोर से दिया, तो अभी जाते हैं और लेट्स सी। तो अभी मैं आ गया हूँ फील्ड में, आप लोग देख सकते हो हम लोग आगे से एंट्री किए, और लोग अभी मतलब ऑलरेडी आ चुके हैं। मतलब इतना एक्साइटमेंट कभी सोचा नहीं था कि अभी इतने बारिश में आ जाएगा, और टाइमिंग दिया था 5 to 7। तो अभी देखिए कितना लोग है यहाँ पे, लाइक मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को कितना लोग है। सो फुल एक्साइटेड गाइस, आप लोग देख सकते हो अभी मैं फिलहाल एकदम स्टेज के सामने, और अभी तक तैयारी चल रहा है क्योंकि बारिश आ गया था, और ऑलमोस्ट लोग आ ही रहे धीरे धीरे। वो जनरल है यहाँ पे, ये जगह है फैन पिट, वो है VIP, और वो आगे में है VVIP। तो देख सकते हो मौसम का अभी हाल पता है नहीं, आशा करता हूँ कि नहीं आए बारिश। और रिपुंदा क्या बोलेंगे आप? मैं यही बोलूँगा कि प्राण जाए पर शान ना जाए। एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, exactly. यहाँ पे लोग फिर भी आए हैं बारिश के बाद। हाँ वही okay. उनका जो डेडिकेशन है ये प्रोग्राम के लिए, इसका डेडिकेशन इसलिए देखता है कि वो कुछ लोग अपने ड्यूटीज को छोड़ के फैन पिट पास मैंने प्रोवाइड किया, उसके बाद वो लोग वहाँ पे देखो दिखाओ जूम कर देखो। हाँ वही 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 एग्जैक्टली। हाँ तो बस अभी धीरे धीरे प्रोग्राम स्टार्ट होता जाएगा, और जो कुछ भी होता रहता है मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगा। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड। और अभी हम लोग आ गए हैं डायरेक्ट फील्ड से होटल में, और अभी मैं वो फिलहाल रूम पे, वो भी यूडी डाका, और उस तरफ है, और हम लोगों के लिए बनाया है कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, आप लोग देख सकते हो। तो यूडी डाका ने दिया था हमें ब्लैक कॉफ़ी, और क्या खबर एकदम मस्त। और आज आप तो होस्ट करने वाले हो जी? ओके okay. और एकदम हम लोग आज नेबर है ना रिपुंदा? हाँ एकदम ऑपोजिट होते हैं, एकदम ऑपोजिट होते हैं, एकदम बढ़िया और फुल एक्साइटेड। लेकिन बारिश के लिए अभी हम लोग होटल में बैठे हुए हैं, यही एक चीज है। हाँ। बारिश रुक जाए, अभी तो नहीं हो रही है फिर भी। हाँ, गारंटी तो है नहीं कब आ जाए फिर वापस। और वो हम लोग के SMEs में एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है कि हम लोग मिर्ची और बेम्बू के एक छोटे स्टिक को उल्टा लगाते हैं ना, ऐसा लगाना पड़ेगा ताकि बारिश ना हो। एग्जैक्टली। और बाहर भी मौसम देख सकते हो आप लोग। तो अभी हम लोग फिलहाल निकल चुके हैं होटल से, और एकदम अभी जाने के लिए रेडी, और इस तरफ है भाभी। हेलो, कुछ बोल दीजिए अभी। अच्छा लग रहा है ना, बारिश आ गया था बीच में। हाँ। मुझे तो इतना डर लग गया कि होगा ना नहीं होगा प्रोग्राम। हाँ। लेकिन भगवान के उससे बारिश नहीं आने से ही बस बारिश नहीं आएगा, सिर्फ तूफान आएगा। और रिपुंदा, और रिपुंदा को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, कुछ अलग सा लग रहा है, मतलब ऐसा देखा नहीं था। उसको बोली आज ये वाला चेंज करो अपना। सही है, सही नहीं है, करता है नहीं तो हमेशा एक ही ड्रेस। हाँ, वही जेंग लगी है, सूर्य जेंग जेंग एकदम जेंग। तो अभी हम लोग एकदम अंदर में है, और हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर पास फैन पिट पास तो बहुत लोगों से मिल रहा हूँ, अच्छा भी लग रहा है, और यहाँ पे सारा पास लेके घूम ही रहा हूँ। तो एक एक करके एक मतलब जो अच्छा सुंदर लड़की है ना उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के हम लोग दे रहे हैं, तो बस वीडियो पे एकदम मजे से बने रही है। फिर से आप देख सकते हैं कि पूरा एकदम जोर से बारिश आ गया, और ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था, सोच रहा था कि ना आए, लेकिन अभी उपाय नहीं है, बहुत जोर से दे रहा है बारिश, अभी गाड़ी के अंदर बैठना पड़ेगा जाके। और इस तरफ पूरा स्टार्ट हुआ है लेकिन बहुत जोर से दिया है, वही 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 खुल और खुल। तो गाइज अभी हम लोग गाड़ी के अंदर आके बैठे, और वो बारिश हो गया देखो वही तो एकदम मतलब बहुत जोर से है, बहुत जोर से अभी पता नहीं प्रोग्राम। इतना धूप था ना, वही तो दिन में धूप था, फिर से बारिश भी दिया, अभी पता नहीं क्या होगा। आप लोग देख सकते हैं गुनू शूज पहनना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा प्रॉब्लम, मैं तो पहना ही हूँ ऑलरेडी, तो उपाय नहीं है अभी क्या होगा। बाद मिला, लास्ट टाइम मिले थे बीप रॉक के शो में। हाँ बहुत दिन बाद, बहुत दिन फाइनली
आगे में और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। कुणाल, कुणाल क्या खबर? बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। मेरा ब्लॉग में फर्स्ट टाइम कितना, आप लोग मुझे बोलते हो कि मेरा हाइट इतना, इसका देखिए यार कितना ऊपर मैं ऐसे देखता है। बहुत 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 ज्यादा लगा। 6'3" तो बस मिल गया, अच्छा लगा। आयरन मत बोलो, तो बाकी हम अहिरन लुक भी आए तो मैं उन लोगों को भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो बस बने रहिए। तो हम लोग जाके KFC से खाना लेके आए, यहाँ पे है जिम की सिद्धा, तो इतना खाई लो। बहुत अच्छा लग रहा है आज नौगांव में ऐसे आके, और फर्स्टली इतना लोग देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इवेंट इतना सक्सेसफुल, आपसे मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे कब पॉडकास्ट में ले रहे हो वो आप जानोगे, आप कब टाइम निकाल के आओगे, बाप रे बाप रे, तब हम लोग पॉडकास्ट कर सकेंगे। आज बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, बहुत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, और बारिश भी कम गया तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है। सब कुछ कुछ रीजन के लिए, सब कुछ रीजन के लिए, एग्जैक्टली बहुत अच्छा लग रहा है। बस बस वही बात है, चलिए फिर और आगे तक देखते रहिए, साथ में तो ये लोग हैं और क्या चाहिए। बोला बोला, तो अभी मेरे साथ में आयरन है, कुछ बोल दो यार ब्लॉग में। मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है, तो मैं तो कोई नहीं है, मैंने ব্লগৰ চেনেলটো চাই থাকিব সবে আজি আজি যোনটো এটা মানে আমাক ৰাখিছোঁ আমি, মানে কি ক'বা আৰু, এইফালে সাগৰ আমাৰ দুখীয়া ভাইটো আছে, কিবা কৈ দিয়া, মই বহুত দুখীয়া। আৰু মই আৰু এটা বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ, বহুতে ভাবে অভয় এইফালে হয়, অভয়ক আৰু অহিৰণক চেম বুলি ভাবে, নহয় দুটা বেলেগ মানুহ, ভালকৈ চাই লোৱা ব্লগত, বহুত বহুত বেলেগ, বহুত বেলেগ, চুলি কম আছে, ক'ত ক'ত সব ঠিকে অনুরোধ জনাইছো। तो आप लोगों ने दिखा है कि कितना ज़्यादा मतलब क्राउड, और मतलब क्या ही बोले, मैं देख ले तो नहीं तो यहाँ पे मैं गिर जाऊँगा रास्ते में, तो लाइट भी जला लिया आगे में। तो बोल रहा था कि इतना ज़्यादा क्राउड, इतना ज़्यादा लोग, और बारिश भी एकदम मतलब पीछा नहीं छोड़ रहा है। और अभी हम लोग फ़िलहाल चल के जा रहे हैं होटल तक, क्योंकि रिपुंदा ने बुलाया मुझे, क्योंकि जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि गाड़ी तो निकाल सकता है नहीं हम लोग, तो बस अभी चलिए चलते। और बहुत ज़्यादा रश हो के रखा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मतलब। तो अभी हम लोग होटल रूम से वापस आए हैं थोड़ा सा रेस्ट करके, और अभी एकदम स्टेज के बिल्कुल सामने सबसे बैठा हुआ है। तो क्या बोलेंगे आप? मैं यही बोलूँगा कि ज़िंदगी में इतना काम करो कि कभी भी मतलब स्टेज के पीछे ना बैठना पड़े। Exactly. या तो स्टेज के ऊपर जाओ, या हाँ. तो स्टेज के नीचे जाओ, पीछे जाओ, या स्टेज के पास में रहो, या स्टेज के पास में रहो। और यहाँ पे क्राउड आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा क्राउड है। तो बस क्राउड ऐसा बनाओ कि सिंगर को भूल के तुम्हारे लिए चिल्लाना शुरू कर दे। Oh,
स्काई हाई के तरफ से हम लोगों के लिए अरेंज किया है डिनर, और अभी डिनर कर लेते हैं और बस बहुत भूख लगा है, मतलब बहुत ज्यादा भूख। ऑलमोस्ट प्रोग्राम अभी खत्म होने को बचने को हुआ है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो को पसंद आया तो आप लोगों को बताया क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो बहुत ही जल्द बहुत अच्छे अच्छे मज़ेदार ब्लॉग्स में मिलते हैं, तो तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय।